हेलो हाय, कैसे हो? आप सब कैसे हो? बस बढ़िया। आई थिंक मेरा एक ही नजरिया है, अ मैन सपोर्टिंग द वुमन। एक लड़की अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। शादी के बाद यूजुअली ऐसा होता है दैट अ वुमन गिव्स अप और यू नो शी डजंट गेट अ चांस टू फुलफिल हर ड्रीम्स। चाहे मेरी मम्मा हो या मासी हो, मैंने सबको देखा है कि शादी के बाद करियर पे एक रोक आ जाती है। एंड आई एम ग्लैड दैट एक ऐसा शो आ रहा है जो यू नो इंस्पायर कर रहा है आपको, आपके आपके फैमिली आपको सपोर्ट करे। आई मीन ऑफकोर्स अ वुमन कैन डू इट ऑन हर ओन विथ हर यू नो ओन अबिलिटी, लेकिन अगर एक फैमिली का पुश, फैमिली का सपोर्ट आता है तो एक अलग ही खुशी होती है। सो आई एम ग्लैड आई एम एसोसिएटेड टू अ शो लाइक दैट बिकॉज आई नो माई करियर हैज़ लिटरली टेकन ऑफ शादी के बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो ऐसी कहानियाँ को मैं सपोर्ट करूँ एंड आई एम ग्लैड के रूरल एरियाज हर जगह पर ये बात पहुँचेगी। इट्स एन एक्सपीरियंस दैट आई हैव फेस्ड। आई नो हाउ माई हस्बैंड हैज स्ट्रांगली सपोर्टेड मी। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं हस्बैंड के बिना भी कर सकती, मैं आई एम श्योर मैं अगर मेरे हस्बैंड ने मना किया होता फिर भी मैं यहीं पर होती, लेकिन क्योंकि उसकी खुशी से सब हुआ है, ही हैज़ पुश्ड मी, इंस्पायर्ड मी, द एंटायर एक्सपीरियंस बिकम्स मोर फुलफिलिंग बिकॉज योर फैमिली इज़ विद यू। Okay, so ma'am, we are living in 2021, talking about this concept. This was an older concept in 19. Do you think still these things matters a lot? See, 21st sadi hai and still aise kai states hain, kai choti choti rural jagahein hain jahan par एक लड़की को अपने सपने पूरे पूरा करने का हक नहीं होता। तो भले ही 21st सदी है, ये मैसेज पहुंचाना कि ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए, ऑल्दो यू नो 21st सेंचुरी एवरीबॉडी इज़ डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, बट स्टिल ऐसी सर्टेन एरियाज हैं जहां पर ये मैसेज का पहुंचना ज़रूरी है। एंड इस शो के जरिए आई एम श्योर ये मैसेज पहुँचेगी एंड इट विल बी अ गुड, इट विल बी सीन इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। इट्स बिकॉज इट्स नॉट अ रिग्रेसिव शो, इट्स अ प्रोग्रेसिव शो इन एवरी वे। Okay, so I'm talking about your personal life. Rohit sir support you very well. Do you think this show relate to your personal life somewhere? 100%. Like I said, that even though hum Mumbai jaise city se hain, I know meri maasi is ya, you know, like agar wo fashion designer bhi hai, wo pursue karna chahti hai, chalo time nahi mila, ya husband ne bola ki abhi bacche ho gaye, you know, family pe dhyan do, aisa hota hai, but the fact that women should be allowed to fulfill their dreams is very, very important, and this message through the show is beautiful, and which is why, like I said, Rohit has 100%. Mera career literally wapas take off hua hai shaadi ke baad, and I do give him the credit. Obviously, if I didn't know acting, main aaj yahan nahi hoti. I know what I'm doing, but still, like I said, family support ho to khushi dugni chogni 6 times ho jaati hai. आई थिंक हर सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सो यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं शुरू में जब सोशल मीडिया पे थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता था अगर कुछ बुरा कोई बोल दे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग हैं बोलेंगे, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। एज लॉन्ग एज योर लव्ड वंस
are happy and positive towards whatever you're doing, that matters the most. I mean, the fact is that whatever men do, women do it better. Be it anything, multitasking. आप अगर एक लड़के को बोलो कि काम के साथ साथ बच्चे के 15 डायपर चेंज करे तो शायद वो नहीं कर पाएगा. इसलिए पीपल वे अरे ये लड़का कर रहा है वाह. बट एक औरत करती है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी तो इज गोइंग टू रॉक टोटल वुमेन पावर. वुमेन पावर आर वी वुमेन आर सुपर वुमेन. वी कैन डू एवरीथिंग एंड वी कैन डू एवरीथिंग बेटर. दैट इज वाई पीपल डोंट एक्नोलेज इट. दिस इज माई टेक ऑन इट. क्योंकि वुमेन एनी वे जो भी करती है मैन से बेटर ही करती है. दैट प्लीज वॉच द शो. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज. एंड सबको कहना चाहूंगी दैट बी इट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन रूरल एरियाज हर जगह पर सपोर्ट करना चाहिए. वुमेन कैन डू एवरीथिंग बेटर. एंड एंजॉय द शो बिकॉज इट हैज अ ब्यूटिफुल मैसेज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. यू. थैंक यू. बाय.